बसमिल इसमी महमद इरफान अफजल और आप देख लें यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाला का हल जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्यूनिटी में इजाफ़ा हो आज हम बात करते हैं सैवन ईयर चिल्ड्रन रोल मीन के जो सेवन ईयर का रोल है बच्चे के हवाले से वो क्या है और इसकी बिहाफ पे उसके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या वीज़ा मिलता है कि नहीं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये नया रूल अनाउंस हुआ था नाइन्थ जुलाई 2012 में इसको इमिग्रेशन रूल का हिस्सा बना दिया गया पहले ये पॉलिसी होती थी फिर इसको ख़त्म कर दिया गया था लेकिन फिर ये 2012 में दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन अब ये इमिग्रेशन रूल के तहत है मेन होम अफेयर की डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि ये बाकायदा लॉ है इसके लिए आपको जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा कि चाइल्ड इज़ अंडर द एटीन ईयर ऑफ एज फर्स्ट बच्चे की उम्र अठारह साल से कम होनी चाहिए चाइल्ड इज़ इन द यू के और चाइल्ड हैज लिव इन द यू के कंटिन्यूसली फॉर सेवन ईयर मीन सौ साल से वो यू के में कंटीन्यूसली रहाश पसी हो और इट वुड नॉट बीज रीजनेबल टू डिपोर्ट अ चाइल्ड मीन के बच्चे को uh, मतलब अगर यू के से उसकी uh, निकाल दिया जाए तो उसके लिए रीज़नेबल नहीं होगा उसकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है आ, कुछ फैक्टर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन पर पहले हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बच्चे की हेल्थ को कंसडर किया जाता है कि बच्चे की हेल्थ अगर हम उनने इसको डिपोर्ट किया हम ऑफिस के मुताबिक उनको डिपोर्ट किया तो बच्चे की हेल्थ मुतासर हो सकती है इसके अलावा देखा जाता है कि इज़ इट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू रिटर्न विद द पेरेंट्स एट द बैक होम मीन कि क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे को अब उसके वालदे के साथ वापस बैक होम में भेज दिया जाए क्या उनकी काम वहाँ कोई सोशल टाइज हैं उनका नेटवर्क कैसा है उनकी रिलेशन वहाँ पे कैसे हैं कितने रिश्तेदार हैं कितने अरसे से वो उस मुल्क में नहीं गए और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि अगर तो बच्चे को वापस उस मुल्क भेजा गया तो क्या वो मुल्क उसको सिटीज़नशिप देगा कि नहीं देगा बास कंट्रीज़ हैं वो नहीं देते इस वजह से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा बच्चे की एबिलिटी देखी जाती है कि जिस कल्चर में उसको वापस भेजा जा रहा है क्या वो उसमें इंटीग्रेट हो पाएगा कि नहीं मीन कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है या बच्चा इंग्लिश बोलता है किसी ऐसे कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ पर इंग्लिश यूज़ ही नहीं होती डिफरेंट कल्चर है डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है डिफरेंट लाइफ स्टाइल है तो ये तमाम फैक्टर जो है ना वो मदनज़र रखे जाते हैं उसके बाद ये अप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है ये जो एप्लीकेशन है ये प्राइवेट लाइफ की अप्लीकेशन होती है अगर अपल्लीकेशन ग्रांट हो जाए तो थर्टी मंथ का वीज़ा मिलता है बच्चे को और आफ्टर थर्टी मंथ आप एक्सटेंशन के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और मीन अगर आप दोबारा अप्लाई करेंगे फिर आपको थर्टी मंथ का वीज़ा मिलेगा लेकिन इस दौरान बच्चे के दस साल पूरे हो जाते हैं तो जैसे ही दस साल पूरे हो जाएंगे तो ही एलिजिबल ही फॉर द आई एल और इन डेफिनेट लीव टू रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैन पेरेंट अप्लाई विद द चाइल्ड दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो लॉ है जो इमिग्रेशन रूल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर बच्चे का सिंगल पेरेंट है मीन उसका एज अ कपल वो लोग नहीं रहते ए पेरेंट मीन सिंगल पेरेंट है वो ही तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करता है जी के पास लेके जाता है उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता है तो फिर तो मीन उसके वालद या वालदा को हंड्रेड परसेंट वीज़ा मिलेगा जितना बच्चे को वीज़ा मिलेगा लेकिन अगर कपल है दो रह रहे हैं तो फिर कानून में इस चीज़ का है कि अप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है क्योंकि कानून में सिर्फ एक पेरेंट के हवाले से कहा गया है अगर डबल होंगे मीन कपल रह रहे हैं तो फिर आपका वीज़ा अपील में ही लगेगा क्योंकि 2013 तो में कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था कि बच्चे के मफाद में ये बेहतर है कि बच्चा दोनों वाले के साथ ही रहाइश पजीर हो आ, तो मोस्टली आपका वीज़ा एज अ कपल अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन अपील में तकरीबन नाइन्टी नाइन नाग्ट परसेंट चांस आपका वीज़ा मिल जाएगा तो इसमें वीज़ा कौन सा मिलेगा वीज़ा अगेन वालदे को जो पेरेंट्स हैं उनको थर्टी मंथ का वीज़ा मिलेगा उसके बाद मज़ीद थर्टी मंथ की एक्सटेंशन है और उसके बाद आप इनडेफिनेटली रिमेन के लिए एलिजिबल हैं तो इसको मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूँ कि कोई बच्चा है यहाँ पर यू में है उसके पेरेंट्स हैं अगर वो इलीगल भी हैं और बच्चे को रहते हुए यहाँ पे सात साल हो जाते हैं तो वो बच्चे के बिहाफ़ पे एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और साथ ही अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे तो बच्चे को तो हजत वो लोग वीज़ा ग्रांट करेंगे वालदे के लिए जैसे कि मैंने अर्ज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर सिंगल पेरेंट है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है अगर एज अ कपल आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो लेकिन अपील में वीज़ा लग जाएगा क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये वाज हदायात हैं कि वालदे दोनों इकट्ठे मिल के बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकते हैं सो so, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वाले से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपना और अपने इर्ग लोगों का बहुत ख्याल रखें मेरे चैनल का भी थैंक यू